हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू 360 प्रॉपर्टी व्यू। आपने घर बहुत सारे देखे होंगे बट इस प्लानिंग का घर आपने डेफिनेटली नहीं देखा होगा। फ्रंट साइड पे भी बालकनी आपको देखने को मिलती है, बैक साइड पे भी बालकनी देखने को मिलती है और बहुत ही ब्यूटीफुल डिजाइन है ऑन 1000 स्क्वायर फीट। वेस्ट फेसिंग ये घर आपको मिलने वाला है। पूरा घर एकदम वास्तु कंप्लायंट है तो हर एक जगह से आपको वास्तु के हिसाब से पूरा घर सेटअप देखने को मिल जाएगा। पूरा डिजाइन इनसाइड एंड आउटसाइड से बहुत ही ब्यूटीफुल डिजाइन के साथ आपको देखने को मिलता है। पूरा वीडियो टिल एंड तक देखिएगा। आई एम गोइंग टू शेयर द प्राइस, लोकेशन एंड द ओवरऑल डायमेंशन ऑफ दिस प्रॉपर्टी ताकि आपको एक बेटर क्लैरिटी मिले। बहुत ही ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी के साथ आपको एक प्राइम लोकेशन पे ये लोकेलिटी में मिलने वाला है तो बहुत सारे एडवांटेज आपको इस घर में देखने को मिलेंगे। तो मैं हर एक चीज़ आपको शेयर करूंगा इन डिटेल। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब अवर चैनल एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम फेसिंग की बात करें तो ये आपको वेस्ट फेसिंग ये घर मिलने वाला है। फ्रंट आपको 20 मिलेगा, डेप्थ आपको 50 मिलने वाली है। तो ओवरऑल प्लॉट साइज आपको मिलेगा 1000 स्क्वायर फीट और 2600 से 2700 स्क्वायर फीट का ओवरऑल कंस्ट्रक्शन आपको इस घर में देखने को मिलेगा। अगर हम एक साइड एंगल से पूरा एलिवेशन देखिए तो एलिवेशन काफ़ी मॉडर्न डिज़ाइन में आपको देखने को मिल जाता है। बहुत ही मॉडर्न है, पूरा जो डिज़ाइन है एकदम लेटेस्ट ट्रेंड में है। जितना घर ये बाहर से सुंदर है उतना ज़्यादा सुंदर ये घर अंदर से भी है। अगर हम स्विच करते हैं इन द नाइट मोड तो एलिवेशन काफ़ी डिफरेंट देखने को मिल जाता है। प्लस एलिवेशन का जो डिज़ाइन है एकदम लेटेस्ट ट्रेंड के अकॉर्डिंग देखने को मिलता है। बहुत सारे स्मॉल स्मॉल एलिमेंट्स आपको फ्रंट एलिवेशन में देखने को मिल जाएंगे जिससे एलिवेशन काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है, काफ़ी डिफरेंट लगता है एंड मल्टीपल लाइट इफेक्ट्स पूरे एलिवेशन को काफ़ी डिफरेंट बनाते हैं फ्रॉम द फ्रंट साइड। अगर हम एलिवेशन को ध्यान से देखें तो एलिवेशन काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है इन द नाइट टाइम एज वेल, इन द डे टाइम एज वेल। अगर हम डिटेलिंग की बात करें तो एलिवेशन पूरा जो डिज़ाइन है एकदम प्रॉपर स्ट्रक्चर वाइज आपको देखने को मिलता है एज अ आर्किटेक्चरल डिज़ाइन वाइज। अगर हम डिटेलिंग पे जाके पूरा एलिवेशन को देखते हैं तो एलिवेशन आपको पूरा स्क्वायर शेप में एज अ कवर्ड फ्रॉम द फ्रंट साइड देखने को मिल जाता है। मल्टीपल बालकनी सेक्शन आपको इस घर में देखने को मिल जाएगा। पूरा टफन ग्लास, टू वे लाइट्स एंड सीलिंग लाइट्स का वर्क आपको फ्रंट एलिवेशन पे यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। एलिवेशन टाइल्स का वर्क आपको देखने को मिलेगा, स्टोन का वर्क आपको देखने को मिल जाएगा, प्लस आपको रेलिंग पूरे MS आयरन में यहाँ पे देखने को मिल जाएगी एंड पूरा जो एलिवेशन है बहुत ही ब्यूटीफुल है फ्रॉम द फ्रंट साइड। अगर हम फ्रंट साइड की बात करें तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में पूरा रैंप यहाँ पे मिल जाएगा, पूरा ग्रेनाइट का रैंप होने वाला है एंड ऑन द अनदर साइड आपको पूरा गार्डन स्पेस यहाँ पे मिल जाएगा। जो पेपर ब्लॉक्स लगना बाकी हैं फ्रंट साइड में आप जाके देखेंगे तो आपको पूरा टफन ग्लास का कवर देखने को मिलेगा रेलिंग के साथ और यहाँ पर आप अपनी नेमिंग स्पेस की भी प्लेट यहाँ पे लगवा सकते हैं। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड जहाँ पे आपको रैंप मिलने वाला है उसकी जो मेन एंट्री आपको पूरे MS आयरन में मेन गेट में देखने को मिलेगी। 10 फीट वाइडर और 5 फीट की इसके ओवरऑल हाइट होने वाली है। रोड की बात करें तो 20 फीट वाइड रोड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। इट इज़ इन प्राइम लोकेशन ऑफ इंदौर, आपको बहुत मेन लोकेशन में ये घर मिलने वाला है तो आपको आउटसाइड पार्किंग भी यहाँ पे कवर्ड देखने को मिलती है, इनसाइड पार्किंग भी कवर्ड देखने को मिलती है। अगर हम रैंप की बात करें तो पूरा जो ग्रेनाइट का रैंप है इससे इजीली आपकी कार पार्किंग, टू व्हीलर पार्किंग इजीली इनसाइड एंड आउटसाइड पार्क हो जाएगी। जो आपको मेन गेट मिलता है पूरा MS आयरन का गेट ये मिलने वाला है तो काफ़ी ठोस गेट है एज अ सिक्योरिटी वाइज एज वेल फ्रॉम द फ्रंट साइड एंड गेट दोनों साइड ओपनेबल है, इनसाइड से भी एंड आउटसाइड से भी। तो आप जब चाहें तो इनसाइड भी ओपन कर सकते हैं, आउटसाइड भी ओपन कर सकते हैं। काफ़ी हैवी क्वालिटी का गेट आपको इस घर में देखने को मिलेगा। जैसे हम घर में एंट्री करते हैं तो आपको मिल जाता है आपका पार्किंग सेक्शन, फोर व्हीलर पार्किंग, टू व्हीलर पार्किंग आपको यहाँ पर कवर्ड देखने को मिल जाती है। 16x9 की ओवरऑल पार्किंग सेक्शन होने वाली है। यहाँ पर आपको ओवर द टॉप साइड आपको सीलिंग लाइट का वर्क देखने को मिल जाता है जिससे पार्किंग सेक्शन काफ़ी एनहांस लुक में देखने को मिलता है। ऑन द राइट हैंड साइड की बात करें तो यहाँ पर आपको प्लांटेशन स्पेस मिल जाता है। इफ़ यू वॉन्ट टू कन्वर्ट, टू व्हीलर पार्किंग भी कवर्ड हो जाती है। मीटर बॉक्स आपको मिल जाता है, टू वे लाइट्स का वर्क यहाँ पर देखने को मिल जाता है। फॉर द वेंटिलेशन एंड सनलाइट पर्पस आपको बिग स्लाइडर विंडो यहाँ पर इंक्लूडेड देखने को मिलती है विच इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू योर ड्राइंग एरिया सेक्शन। अगर हम बात करें यहाँ पर आपको इंडिविजुअल बोरिंग मिलने वाली है और साथ में आपको 8000 तक आपको स्टोरेज मिलने वाला है तो दोनों प्रोविजन आपको यहाँ पे इंक्लूडेड देखने को मिलते हैं जो काफ़ी बढ़िया बात है। साथ में आपको मिल जाता है आपकी मेन एंट्री, मेन एंट्री पे आपको पूरा स्ट्रक्चर डिज़ाइन यहाँ पे ब्रिक के कॉम्बिनेशन में देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको एक लैम्प भी इंक्लूडेड देखने को मिल जाता है जिससे पूरा फ्रंट लुक काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है एंड दिस इज़ लाइक गुड प्लानिंग। जब आप रियल में ये चीज़ें देखेंगे यू डेफिनेटली गोइंग टू लाइक दिस। साथ में आपको मिल जाता है आपकी मेन एंट्री, यहाँ पर आपको 4x8 का विनियर की क्वालिटी में आपको मेन गेट यहाँ पर मिलने वाला है एंड आउटसाइड पूरा आपको वुडन के स्ट्रक्चर में डिज़ाइन देखने को मिलता है एज अ ट्रांसपेरेंट वन जो काफ़ी एक लेटेस्ट ट्रेंड में है। क्वालिटी हैंडल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा एंड काफ़ी बढ़िया
बढ़िया थिकनेस के साथ आपको हैवी गेट आपको फ्रंट एंट्री भी यहाँ पे देखने को मिलता है। एंड दिस इज द अनदर सेक्शन, जैसे आप घर में एंट्री करेंगे तो आपको एक छोटा सा लॉबी स्पेस यहाँ पे मिल जाएगा जहां पर आप शू रेक वगैरह और बाकी की चीजें यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो दिस इज अनदर सेक्शन। जैसे हम घर में एंट्री करेंगे तो फर्स्ट जो सेक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा आपका ड्राइंग एरिया सेक्शन। काफी स्पेशियस, काफी लग्जरी घर ये होने वाला है। और अगर हम साइज की बात करें तो काफी ब्रॉड साइज में आपको 10.5x12 का ओवरऑल साइज यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो डिजाइन है एकदम लेटेस्ट ट्रेंड में आपको पीओपी फॉल सीलिंग एकदम कंप्लीट देखने को मिलती है ना, एल शेप जो कवर्ड करती है ड्राइंग एरिया को भी, अनदर स्टे केसेस को भी, जो एकदम बढ़िया लगती है फ्रॉम द फ्रंट साइड। यहाँ पर आपको हर एक जगह एसी के कनेक्शन ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड देखने को मिलेंगे फॉर द वेंटिलेशन एंड सनलाइट फ्रॉम द आउटसाइड पर्पस। और इनसाइड से भी आपको कवर्ड देखने के लिए यहाँ पे बिग स्लाइडर विंडो यहाँ पे देखने को मिलती है। हैवी ग्रिल के सपोर्ट के साथ आपको डोमाल सेक्शन यहाँ पे मिलने वाला है जो काफी बेटर क्वालिटी है फ्रॉम अ नॉर्मल विंडो साइज। जस्ट इन फ्रंट ऑफ योर सिटिंग अरेंजमेंट आपको मिल जाता है आपका एलईडी पैनल। एलईडी पैनल काफी ब्रॉड पैनल में आपको देखने को मिलेगा, आराम से 55 से लेके 65 इंचेस की एलईडी पैनल यहाँ पे माउंट हो सकती है। पूरा जो वर्क है पूरा माइका और वुडन का आपको देखने को मिलेगा। मल्टीपल स्टोरेज आपको बॉटम में देखने को मिल जाएंगे। तो दिस इज लाइक स्पेसिफिक वॉल फॉर योर टीवी पैनल यूनिट। एंड दिस इज द ओवरऑल सेक्शन ऑफ योर सोफा सिटिंग एंड अदर सिटिंग अरेंजमेंट। ड्राइंग एरिया से कनेक्टेड आपको एक अनदर सेक्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है विच इज योर डाइनिंग स्पेस। 10x11 का ओवरऑल साइज होने वाला है। आपको डबल हाइट सीलिंग के वर्क के साथ पूरा डाइनिंग सेटअप यहाँ पे देखने को मिलेगा। आराम से 8-seater डाइनिंग स्पेस ही होने वाला है विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू योर ड्राइंग एरिया सेक्शन। यहाँ पर जो स्पेस है काफी ब्रॉड है तो अलग से काफी स्पेशियस डिजाइन में आपको यहाँ पे डाइनिंग सेटअप यहाँ पे इंक्लूडेड देखने को मिलता है। अगर हम वॉल की बात करें तो आपको ब्रिक के कॉम्बिनेशन के डिजाइन के अकॉर्डिंग आपको पूरा वॉल डेकोर यहाँ पे देखने को मिलता है जो काफी ब्यूटीफुल लगता है, काफी एनहांस लुक में देखने को मिलता है विच इज और डबल हाइट सीलिंग के साथ। बीच में आपको एक सैंडल यहाँ पे देखने को मिल जाता है। मल्टीपल सीलिंग लाइट्स का वर्क आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाता है जिससे डाइनिंग सेटअप काफी ब्यूटीफुल लगता है, काफी डिफरेंट लगता है। एंड जस्ट इन फ्रंट ऑफ योर डाइनिंग सेटअप आपको मिल जाता है आपका स्टे केसेस। यहाँ पे जो डिजाइन है पूरा आपको यू शेप में देखने को मिलेगा एज अ राउंड शेप पूरा स्टे केसेस। एंड अंडर द स्टेयर्स आपको यहाँ पे प्रॉपर स्पेस यूटिलाइजेशन भी देखने को मिल जाएगा। मल्टीपल कैबिनेट्स आपको यहाँ पे इंक्लूडेड देखने को मिलते हैं जहाँ पर आप अननेसेसरी और कोई सी भी चीज़ें यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, इन्वर्टर वगैरह एंड कोई से भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी यहाँ पे आप इंक्लूड कर सकते हैं। इन फ्रंट ऑफ योर डाइनिंग स्पेस आपको मिल जाता है आपका मॉड्यूलर सेटअप। यहाँ पर जो मॉड्यूलर सेटअप का फ्रंट एंट्री है वो आपको पूरा वुडन स्ट्रक्चर में डिजाइन ऐसा देखने को मिलती है जो एक बढ़िया सा पार्टीशन है। टू वे में आपको पूरा प्लेटफॉर्म यहाँ पे कवर्ड देखने को मिलता है। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आपको रेफ्रिजरेटर का अलग से स्पेस मिल जाता है जहाँ पर आपका रेफ्रिजरेटर आएगा। अगर हम क्वालिटी की बात करें ओवर द टॉप साइड आपको मल्टीपल कैबिनेट्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं और बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का आपको मॉड्यूलर सेटअप यहाँ पे मिलने वाला है डार्कर और लाइटर फॉर्म। प्लेटफॉर्म की बात करें तो आपको पूरा ग्रेनाइट का प्लेटफॉर्म आपको ब्लैक के कॉम्बिनेशन में यहाँ पे देखने को मिलेगा। इन बिटवीन जो आपको टाइल्स का वर्क यहाँ पे देखने को मिलता है एकदम हाईलाइटर वे में यहाँ पे देखने को मिलता है। एंड इन बिटवीन जो कैबिनेट्स है अंडर द कैबिनेट्स आपको प्रोफाइल लाइट का वर्क भी देखने को मिलता है जिससे पूरा जो यूनिट है काफी ब्यूटीफुल लगता है। ऑन द अनदर साइड आपको मिल जाएगा आपका ड्राई प्लेटफॉर्म। यहाँ पर आप क्वालिटी देख सकते हैं, सब चीजें आपको टैंडम में देखने को मिलेगी एज अ सॉफ्ट क्लोजर ओवर द स्क्रीन आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर भी आपको मल्टीपल कैबिनेट्स मिल जाते हैं फॉर योर ओवरऑल मॉड्यूलर सेटअप जिससे पूरा जो किचन है ना काफी ब्यूटीफुल लगता है, काफी एक लैविश डिजाइन के साथ एकदम मॉडर्न सेटअप के साथ आपको देखने को मिलता है। कनेक्टेड टू दिस आपको बात करें तो मॉड्यूलर सेटअप से कनेक्टेड आपको मिल जाता है आपका वॉश एरिया सेक्शन। वॉश एरिया सेक्शन से क्या होता है कि पूरा वेंटिलेशन और सनलाइट प्रॉपर बनी रहती है फ्रॉम द बैक साइड एज वेल। एंड किचन से भी आपको पूरा प्रॉपर वेंटिलेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। 4.5 feet का ओवरऑल साइज होने वाला है एज अ टाइल्स का जिससे पूरा लिक्विड एरिया आपको यहाँ पे कवर्ड देखने को मिलता है। एंड वेंटिलेशन फ्रॉम द फर्स्ट बेडरूम आपको यहाँ पे बिग स्लाइडर विंडो इंक्लूडेड देखने को मिल जाती है विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू योर वॉश एरिया सेक्शन। यहाँ पर एक आपको बढ़िया सा गेट यहाँ पे मिलने वाला है 3.5x6 का ओवरऑल पल्ला होने वाला है जो काफी अच्छा लगता है फ्रॉम द वॉश एरिया पर्पस। एंड दिस इज योर ओवरऑल वॉश एरिया सेक्शन विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू योर मॉड्यूलर सेटअप। काफी ब्यूटीफुल डिजाइन है, काफी लेटेस्ट कंस्ट्रक्शन आपको इस घर में देखने को मिलेगा। जैसे आप बैक साइड जाएंगे तो आपको मिल जाएगा आपका फर्स्ट बेडरूम ओवर द ग्राउंड फ्लोर। इसका जो साइज है काफी प्रॉपर काफी स्पेशियस डिजाइन में आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। एंड अगर हम साइज की बात करें 12x11 का ओवरऑल साइज होने वाला है। ये बेडरूम आपको नीचे ग्राउंड फ्लोर में मिलने वाला है तो आपके पेरेंट्स वगैरह यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। वेंटिलेशन आपको वॉश एरिया से कनेक्टेड देखने को मिलता है स्लाइडर विंडो के साथ तो आपको यहाँ पर प्रॉपर वेंटिलेशन एंड सनलाइट आपको बैक साइड से भी देखने को मिलेगी। हर एक जगह आपको अल्पाइन डिजाइन में एज अ वॉल डेकोर देखने को मिल जाएगा। हर एक जगह आपको एसी कनेक्टेड देखने को मिल जाएगा एज अ लाइन वाइज आपको 3.5x7 का। यहाँ पर भी आपको विनियर की क्वालिटी में आपको यहाँ पे गेट मिलने वाला है विद प्रीमियम क्वालिटी ऑफ लॉक।
अगर हम बात करें इससे कनेक्टेड, आप कह लो इसको अटैच वॉशरूम, आप कह लो ओपन वॉशरूम, आप दोनों चीज़ के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सिंक, कमोड एंड सावर सेक्शन तीनों का प्रोविजन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी की टाइल्स का वर्क ओवर द वॉल साइड आपको देखने को मिलता है, जिससे पूरा जो स्ट्रक्चर है काफ़ी ब्यूटीफुल है। साथ में आपको वेंटिलेशन की प्रॉपर डग आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, ब्रॉड चौखट आपको देखने को मिलती है एंड 3.5x7 का आपको यहाँ पे भी गेट देखने को मिलता है एज अ नॉन ट्रांसपेरेंट वन विच इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड ओवर द ग्राउंड फ्लोर। सो दिस इज़ अ ओवरऑल ग्राउंड फ्लोर जो काफ़ी ब्यूटीफुल डिज़ाइन के साथ आपने देखा। तो चलिए चलते हैं अपने फर्स्ट फ्लोर साइड। अगर हम स्टे केसेस की बात करें, यहाँ पर अभी रेलिंग सेटअप किया हुआ है, टफन ग्लास लगना बाकी है, तो आपको टफन ग्लास के साथ पूरा कंप्लीट यूनिट देखने को मिलेगा। MSRN की क्वालिटी के साथ आपको पूरी रेलिंग यहाँ पे देखने को मिलती है जो काफ़ी रोबस्ट होती है फॉर अ लॉन्ग रन। पूरे जो आपको टप्पे यहाँ पे मिलने वाले हैं, ग्रेनाइट के टप्पे देखने को मिलेंगे 3 feet के, और पूरा सर्कल वाइज आपको पूरा स्टे सेक्शन यहाँ पे देखने को मिलता है। मल्टीपल लाइट्स इफेक्ट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, जिससे स्टे केसेस काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है। जैसे हम अपने फर्स्ट फ्लोर पर पहुँच जाते हैं तो आपको एक व्यू मिल जाता है ऑफ योर डबल हाइट सीलिंग जो डाइनिंग सेटअप से कनेक्टेड है। टॉप साइड से भी काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है एंड बहुत ही बढ़िया लगता है जब आपके घर में कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिज़ाइन हो। ओवर दिस फ्लोर आपको मिल जाता है 2 different बेडरूम, मास्टर होने वाला एक और एक होने वाला है सेमी मास्टर। तो अगर हम बात करें फ्रंट साइड की तो आपको मिलता है आपका सेकेंड बेडरूम ओवर द फर्स्ट फ्लोर। दिस इज अ सेकेंड बेडरूम ओवर द फर्स्ट फ्लोर। 10x14 का ओवरऑल साइज होने वाला है, काफ़ी बढ़िया साइज है, काफ़ी ब्रॉड साइज है एंड दिस इज अ मास्टर बेडरूम। यहाँ पर आपको बेट्रीफाइड टाइल्स का वर्क देखने को मिल जाएगा। ओवर द टॉप साइड आपको प्रीमियम क्वालिटी की फॉल सीलिंग एंड सीलिंग लाइट का वर्क यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जिससे पूरा बेडरूम काफ़ी ब्रॉड पैनल में देखने को मिलता है। ऑन द फ्रंट साइड आपको पूरा LED पैनल सेक्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, बैक साइड में पूरा बेड का सेक्शन एंड कनेक्टेड टू दिस आपको मिल जाएगा आपका बालकनी सेक्शन। यहाँ पर जो बालकनी सेक्शन आपको देखने को मिलेगा वो हैवी ग्रिल के सपोर्ट के साथ एज अ सिक्योरिटी वाइज कवर्ड आपको देखने को मिलेगा। ग्रिल के सपोर्ट के साथ आपको टफन ग्लास भी देखने को मिलता है एज अ ट्रांसपेरेंट वन एज अ फ्रेंच विंडो, जिससे बालकनी काफ़ी ब्यूटीफुल लगती है फ्रॉम द फ्रंट साइड एज वेल एंड इन साइड से भी। अगर हम बालकनी की बात करें तो बालकनी काफ़ी स्पेशियस है, ओवर द टॉप साइड से भी ये कवर्ड है, ओवर द बॉटम साइड से भी पूरी चीज़ें ही कवर्ड है। और यहाँ पर जो मल्टीपल प्लांटेशन स्पेस आप देख पा रहे हैं, जिससे पूरी बालकनी सेक्शन काफ़ी ब्यूटीफुल लगती है। 2-way light का वर्क यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जिससे बालकनी सेक्शन काफ़ी एनहांस लुक में आपको देखने को मिलती है ऑन द फ्रंट साइड एज वेल ऑन द राइट हैंड साइड एज वेल। और यहाँ पर आपको जो रेलिंग है वो आपको MSRN में देखने को मिलेगी, यहाँ पर भी टफन ग्लास लगना बाकी है एंड जो पूरी वॉल है वो आपको ब्रिक के कॉम्बिनेशन डिज़ाइन में देखने को मिलेगी, जिससे फ्रंट एलिवेशन काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है, काफ़ी डिफरेंट देखने को मिलता है। कनेक्टेड टू दिस बेडरूम आपको मिल जाता है एक सेपरेट वे में आपका ड्रेसिंग रूम। तो यहाँ पर आप मल्टीपल कबर्ड सेक्शन आप इंक्लूड कर सकते हैं, तो आपका जो कबर्ड सेक्शन है वो आपको इनसाइड में देखने को मिलेगा, आपका बेडरूम काफ़ी फ्री हो जाएगा। कनेक्टेड टू ड्रेसिंग रूम आपको मिल जाएगा आपका अटैच वॉशरूम, तो वॉशरूम भी आपको मास्टर यहाँ पे इंक्लूडेड देखने को मिलता है। 3 sections होने वाला है आपका सिंक, कमोड एंड सावर सेक्शन। कमोड एंड सावर सेक्शन के इन बिटवीन आप टफन ग्लास वगैरह लगा सकते हैं, जिससे पार्टीशन काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है एंड यहाँ पर आपको डग आपको बालकनी सेक्शन से देखने को मिलेगा। तो हर एक चीज़ प्रॉपर आपको डायमेंशन के वाइज, स्पेशियसनेस के वाइज और क्वालिटी के वाइज यहाँ पे इस घर में आपको मिलने वाली है। इफ़ यू लाइक दिस प्रॉपर्टी प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और बहुत ही ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी है, जब आप रियल में ये चीज़ें देखेंगे ना यू डेफिनेटली गोइंग टू लाइक दिस। जैसे आप बैक साइड जाते हैं तो आपको मिल जाता है आपका थर्ड बेडरूम काफ़ी स्पेशियस होने वाला है एंड यहाँ पर भी जो आपको डिज़ाइन है लेटेस्ट कंस्ट्रक्शन में देखने को मिलेगा। 11x14 का ओवरऑल साइज होने वाला है, यहाँ पर भी आपको POP फॉल सीलिंग और सीलिंग लाइट का जो वर्क देखने को मिलता है एकदम लेटेस्ट कंस्ट्रक्शन में देखने को मिलता है। यहाँ पर एक एडवांटेज आपको यहाँ पर इंक्लूडेड देखने को मिलता है, विच इज़ योर बैक साइड बालकनी सेक्शन एंड योर स्लाइडर विंडो विच इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू योर थर्ड बेडरूम। तो यहाँ पर आपको वेंटिलेशन और सनलाइट प्रॉपर बनी रहेगी, तो आपको एक सेपरेट बालकनी सेक्शन यहाँ पे इंक्लूडेड देखने को मिलता है, जहाँ पर आप आराम से बैठ सकते हैं। साथ में आपको विंडो कनेक्टेड देखने को मिल जाती है, जिससे वेंटिलेशन दिन में भी बना रहेगा, रात में भी बना रहेगा, विच इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू योर वॉश एरिया सेक्शन। तो बैक साइड में भी आपका वॉश एरिया हो गया, जिसका वॉशरूम का डग भी आपको इंक्लूडेड यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जिससे सफोकेशन जैसी चीज़ें नहीं होती, सनलाइट जैसा प्रॉब्लम नहीं होता इन द बैक साइड एज वेल एंड कनेक्टेड टू दिस आपको जो आपका डबल लाइट का वर्क यहाँ पे देखने को मिलता है विच इज ऑल्सो कनेक्टेड टू योर बैक साइड बालकनी। अगर आप रियल में ये चीज़ें देखेंगे यू डेफिनेटली गोइंग टू लाइक दिस। और हर एक जगह आपको जो गेट की क्वालिटी आप देख पा रहे हैं, विनर की और सागवान की क्वालिटी आपको हर एक जगह देखने को मिलेगी। इससे कनेक्टेड आपको मिल जाएगा आपका ड्रेसिंग अलग से सेक्शन, पूरा यहाँ पर आप कबर्ड सेक्शन वगैरह बना सकते हैं। कनेक्टेड टू दिस आपको मिल जाता है अटैच वॉशरूम।
बेडरूम के हिसाब से आपको स्पेशियस वॉशरूम यहाँ पे आपको इंक्लूडेड देखने को मिलता है, सावर सेक्शन आपको अलग मिलता है, आपका कमोड अलग आपको देखने को मिलता है, एंड फ्रंट साइड पे जो विंडो आपको देखने को मिलती है वॉश एरिया से कनेक्टेड देखने को मिलती है। तो पूरा वॉशरूम सेक्शन आपको वेंटिलेशन और सनलाइट से प्रॉपर में यहाँ पे इंक्लूडेड देखने को मिलेगा। बैट्रीफाइड टाइल्स का वर्क ओवर द वॉल साइड आपको देखने को मिलेगा एंड काफ़ी स्पेशियस है। एंड यहाँ पर जो आपको पूरा बेडरूम मिलता है, ड्रेसिंग रूम मिलता है, बालकनी देखने को मिलती है, जो काफ़ी स्पेशियस बनाता है इस ओवरऑल घर को भी और काफ़ी मॉडर्न डिज़ाइन के साथ। सो दिस इज़ योर सेकेंड एंड थर्ड बेडरूम ओवर द फर्स्ट फ्लोर। जैसे ही आप अपने सेकेंड फ्लोर जाएंगे तो आपको मिल जाएगा एक लॉबी स्पेस। लॉबी स्पेस पर आप आराम से यहाँ पर सेटिंग अरेंजमेंट बना सकते हैं। यहाँ पर आपको मल्टीपल फोकस लाइट्स इंप्लीमेंटेड देखने को मिल जाएगी। आप बैक साइड में जाएंगे तो आपको मिलेगा आपका फोर्थ बेडरूम। इट इज़ सिमिलर टू द थर्ड बेडरूम, बट आपको प्रोविजन मिलता है एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन का, एक्स्ट्रा लाइबिलिटीज़ का, एक्स्ट्रा स्पेशियसनेस का। तो आपको फोर्थ बेडरूम यहाँ पर इंक्लूडेड देखने को मिलता है। अगर हम बात करें सिमिलर एज अ थर्ड बेडरूम, आपको यहाँ पर भी आपको अटैच बालकनी सेक्शन इंक्लूडेड देखने को मिलेगी, विच इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू योर वॉश एरिया सेक्शन। तो आपको वेंटिलेशन प्रॉपर रहेगा, सनलाइट प्रॉपर रहेगी और हर एक जगह से आपको पूरा घर बहुत ओपनेबल रहेगा। वेंटिलेशन का कभी इशू नहीं होने वाला और हर एक चीज़ आपको प्रॉपर यहाँ पर डेकोर में भी देखने को मिलती है एज इंटीरियर वाइज एज वेल। कनेक्टेड बात करें तो आपको यहाँ पर ड्रेसिंग रूम में मिलेगा, अटैच वॉशरूम भी यहाँ पर आपको इंक्लूडेड देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें एज अ ओवरऑल प्रॉपर्टी की, तो प्रॉपर्टी आपको विजयनगर से नियर बाय देखने को मिलेगी। तो लोकेशन मैंने आपको बता दिया। अगर हम प्राइस की बात करें तो प्राइस के लिए आपको हमें कॉल करना पड़ेगा ऑन अ गिवन नंबर 6262900360 पे आपको कॉल करना पड़ेगा, तो हम आपको प्राइस बता देंगे। और बात करें कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की, बहुत ही प्रीमियम कंस्ट्रक्शन आपको इस घर में देखने को मिलेगा। अगर आपको ये प्रॉपर्टी पसंद आती है तो प्लीज़ कॉल अस ऑन द गिवन नंबर। जैसे ही हम अपने फ्रंट साइड पे जाते हैं ओवर द टेरेस साइड, तो आपको एक गजीबो सेटअप भी यहाँ पे इंक्लूडेड देखने को मिलता है, जो काफ़ी एक एनहांस लुक देता है एज ओवरऑल टेरेस सेक्शन को भी। तो टेरेस सेक्शन भी आपको बहुत ही मॉडर्न डिज़ाइन में यहाँ पे आपको सेटअप देखने को मिलता है। तो हर एक चीज़ एकदम मॉडर्न डिज़ाइन के साथ, एकदम लेटेस्ट कंस्ट्रक्शन के साथ आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब अवर चैनल और मिलते हैं एक नई प्रॉपर्टी के साथ जल्दी। टेक केयर, बाय बाय।